तो गूगल ठीक सीट पे है। हम एक डैशबोर्ड, एक्सेल के डैशबोर्ड को कॉपी करने जा रहे हैं। तो ये गूगल सीट एक जो डेटा जो है, एक ऑनलाइन डेटा है, ठीक है, उसी चीज को हम जानते हैं। जैसे कि डेटा में सबसे पहले तो सीक्वेंस नंबर है, डेट है, अकाउंट टाइप है, मतलब कि ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है उस पे जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसका है, ठीक है। तो अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट जो नई कस्टमर जो अकाउंट टाइप क्या है, नया है या पुराना है, राइट। तो ठीक न्यू है। और ई फॉर एग्जिस्टिंग हो गया, और न्यू फॉर एन फॉर न्यू हो गया। उसके बाद इसकी कितना इस पे एक्सपेंस किया गया और कितना इससे वैल्यू जनरेट किया गया, उसने नया ऑर्डर दिया या फिर पुराना ही ऑर्डर दिया, ठीक है ना। और सोर्स क्या है, डब्ल्यू एस, मतलब वेबसाइट के थ्रू आया है, सेल्फ आया ठीक है। उसके बाद इसकी काम में हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है ठीक और ये संडे की वीक के किस दिन को आया हो, है और इस पे जो है हमें न्यू अकाउंट कितना खुला वो देखना है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस कितना हुआ वो देखना है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। उसके बाद यहाँ वीक वाइज हमें टोटल देखना है कि हमारा जो सेल जो है किस, मतलब कि ये वीक वाइज मेरा कंपेयरिंग है कि किस दिन जो है सेल्फ कितना आया है और वेबसाइट के थ्रू कितना आया है, ठीक ओके। और इनकम है और ठीक है खर्चे का ये पूरा है कि कितना, मतलब टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है और खर्चा कितना है उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक उसके बाद यहाँ पे हो गया कि टोटल और इनकम पर ऑर्डर कितना हुआ, एक्सपेंस पर ऑर्डर कितना हुआ, एक्सपेंस न्यू ऑर्डर कितना हुआ, एक्सपेंस जो है प्रॉफिट पर ऑर्डर कितना आया, और जो हमारा टारगेट था ना, इनकम टारगेट था वो कितना परसेंट अचीव हुआ, एक्सपेंस टारगेट कितना परसेंट अचीव हुआ, प्रॉफिट टारगेट कितना परसेंट जेट हुआ, और न्यू ऑर्डर टारगेट कितना परसेंट अचीव हुआ। अच्छे पूरा सिंपल है। ठीक चलिए गूगल शीट पे इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा शीट, एक डेटा शीट पे हमने डेटा ले लिया है, ठीक ठीक है। है ठीक दूसरे शीट में है सबसे पहले जब भी कोई हम रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहला होता है इसका स्ट्रक्चर तैयार करना। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को तैयार करना। तो बैकग्राउंड को मैं हल्का ग्रे कलर ले लेता हूँ, एक ठीक एरिया है ले लेता हूँ कि मेरा रिपोर्ट कितने एरिया तक जाएगा। हालांकि एरिया कम और ज्यादा कभी कभी हो सकता है, लेकिन एक अंदाजा ले कोई लीजिए कि नहीं हाँ इतने एरिया में मेरा रिपोर्ट बने, और उतने एरिया ठीक को है मैंने कर मस्त लिया सिलेक्ट। इसकी बैकग्राउंड कलर में गया, और जैसे मैं बताया था कि मैं इस पे हल्का ए वाला, ए पहले से जो है ना, पहला दूसरा तीसरा कलर लूंगा, ठीक ठीक है। तीसरा कलर ले लिया, है ठीक है और इसकी ग्रिडलाइन को हटा दूंगा। इसकी ग्रिडलाइन कैसे हटती है, 1 मिनट। ये वाला कहाँ से आता है गूगल का उसका तो पता है एक्सेल का इसमें भी कहीं ना कहीं तो होगा ही ये हाँ होता है, होता है के व्यू तो में, नहीं जो है भी व्यू से होता है शो, यहाँ दिख रहा है हाँ व्यू से, सो ग्रेड लाइन हाँ ये रहा ठीक ठीक है हटा दीजिए बस है। सबसे हमने ग्रिडलाइन बढ़िया को हटा दिया, ठीक है। लेकिन ये डार्क कलर ज्यादा ठीक डार्क हो गया, इतना डार्क नहीं रहना चाहिए, है ठीक क्योंकि है ठीक कलर पे बैकग्राउंड पे ही नजर जा रहा है ना। रिपोर्ट ऐसा नहीं कि रिपोर्ट पे नजर जाए, बैकग्राउंड पे नजर ना है आए। एग्जैक्टली तो ए हाँ वाला कलर ये ठीक है क्या, चलिए ये ये ठीक बढ़िया है। है तो उसके बाद जैसे कि हम रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि मुझे चार चाहिए ना, चार ए चाहिए, स्लैट चाहिए, चार ठीक है स्लैट चाहिए। और हाँ ऊपर ये हमारा ये क्या है, ये टाइटल हमें नहीं डाला था, इस पे टाइटल डालना था। तो ठीक सबसे है पहले जब भी आप रिपोर्ट बनाए तो पहला कॉलम और पहला रो छोड़ दें, एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। ऊपर का और वो हाँ, हाँ तो हमने दो ले लिया और यहाँ तक चलेगा रिपोर्ट, जहां तक होगा तक। और इसकी जो कलर है वो मान लीजिए मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक के साथ साथ कर ठीक देता हूँ मर्ज, और इस पे अपना टाइटल लिखता हूँ। और टाइटल लिखने से पहले इसकी जो बैक टेक्स्ट कलर इसके कैसे हाँ लगेगा, टेक्स्ट कलर सेल्स व्हाइट रिपोर्ट ईयर 2022, ठीक है। और ठीक है इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ यहां से,
बस और बढ़ा देता हूँ, ठीक ज्यादा बढ़ गया, कम है, करता हूँ, कम कर दीजिए 24 ठीक है। और ये इसको जो भी बीच मैंने, में। हाँ, और ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ, 1 मिनट, एक काम मैंने गलत किया, कभी भी मुझे दो पार्ट करना है यहाँ पे, कंपनी का नेम भी लिखना है, तो मैं यहाँ से अनमर्ज करता हूँ इसको पहले, ठीक है ना, और इसको हाफ हाफ ठीक मर्ज करता हूँ, मर्ज मर्ज करता हूँ, करता हूँ, ठीक है। हाफ इसको मर्ज किया और इसके बाद हाँ हाफ इसको मर्ज कर दीजिए, ठीक और है, यहाँ पे लिख देता हूँ IPT सक्सेसफुल, जो भी कंपनी का नेम है वो हमने लिख दिया, जो और इसको जो है लेफ्ट में हम इसका ए कर देते हैं, भी बीच में बीच कर में देते हैं दोनों को, अपने बीच लेफ्ट में, सही रहेगा ना, में अब ठीक कर है ना, दीजिए, कर इससे दीजिए बढ़िया, ऐसे बीच में, ठीक चलिए, है, ये भी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक। अब मैं यहां से 2 रो छोड़ूंगा और ए यहाँ हाँ पे, कोई बहुत ज्यादा रो छूट गया इधर, तो ये फालतू में जगह है, इसको अच्छा देख के कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ ठीक, पे 1 रो 2 रो, 2 रो छोड़ा, और यहाँ से इसका 3 पार्ट बनाएंगे, तीन तीन का 3 पार्ट, और इसकी ठीक जो है, कलर है इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं व्हाइट, और इसका जो बॉर्डर है ए वाला बॉर्डर, सबसे पहले तो बॉर्डर के कलर में ए पहला था ना, ये तीसरा लेता हूँ, और ठीक है, यस बॉर्डर जो है राउंड कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। और अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, दो दो पेस्ट छोड़ करता हूँ, के, एक एक रो एक एक कॉलम छोड़ एक एक के, छोड़ के। तीन थे ना, तीन, हाँ चार थे, चार चार, थे, हाँ चार, ठीक है। ठीक है, और फिर ये जो सेपरेटर है इसको कर देता हूँ छोटा, 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 इसको भी कर देता हूँ छोटा, यहाँ पे छोटा, ये बड़ा हो गया, इसको ही कर देता हूँ छोटा, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ ये जो मेन, दो मेन है ना हमारे, तो इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक एक रो, है, ठीक हाँ एक रो छोड़ते हैं, और यहाँ ये ले लेते हैं मेन, है, ये सही है, एक और एक और छोटा कर छोटा सकते करते हैं हैं, वैसे, ठीक है, इतना नहीं बढ़िया ठीक है। है, इतना ठीक है। इसकी जो कलर सेम वाइट, और इसकी जो बॉर्डर ठीक है, भी हम 20 कर लेते हैं मोटा, ठीक है, और इसको ठीक सेलेक्ट है, करते हैं यहाँ पे, और इसको भी सेम कलर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ठीक, छोटा कर देते हैं, समझ गए। ठीक है, उसके बाद नीचे का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नीचे चार चार चाहिए, 8 चाहिए ना, ठीक जो है, ऊपर इनको हमने लिया हुआ है इसी को करते हैं, ही इसको कॉपी भी, कर लो, और एक रो छोड़ा इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, फिर और फिर एक रो एक रो छोड़ा छोड़ा, और यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है तैयार, नीचे का जो फालतू है उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। स्ट्रक्चर तैयार, इसको कर दिया हम यहाँ से डिलीट, ठीक है। एक काम और करना था, इसको एक थोड़ा सा पार्ट और बढ़ाना, बढ़ेगा, डिलीट, नहीं इसको जो है ठीक डिलीट नहीं, जो यहाँ से जो फॉर्म, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं मतलब, बताता हूँ, नहीं ज्यादा हो, नहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं, बीच में गड़बड़ हो गई थी शुरुआत में, एक थोड़ा सा लाइन और होता है इस तरह का, इसको कॉपी करके डाल दीजिए, अब बेटर लग रहा है ना सर, इधर ठीक से है, इधर से अब लाइन डन, लग रही, हाँ डन है। अब इसके ऊपर डेटा लिखाएंगे,
तो सबसे पहले हमें लेके आना है यहाँ पे न्यू अकाउंट, ठीक है। ऊपर का जो है इसको सेलेक्ट करके मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज कर मर्ज करके दिया यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू न्यू अकाउंट। ठीक और इसको कर देता हूँ सेंट्रल, है, और यहाँ न्यू अकाउंट, इन दोनों को मर्ज किया, ये नहीं इसी दोनों को मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे हम तो अकाउंट में ये छूट गया। यहाँ पे कौन, काम यहाँ पे कौन सा कर फॉर्म लगाएंगे सर न्यू अकाउंट को लाने के लिए? इक्वल टू वाला, इसमें इस न्यू अकाउंट यूनिक में जो वाला पड़ा है ना, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे इसका, सम इफ का, काउंट इफ का, समिट। काउंट इफ का, अच्छा ठीक है, ठीक काउंट इफ, है। इफ या और इफ्स, एक इफ ही कंडीशन है ना, मल्टीपल कंडीशन में इफ लगा ठीक है, देंगे, ठीक है। और यहां पे हमने कर दिया एंड क्यों न्यू कस्टमर, और ठीक है, इसको तो न्यू के लिए हो हाँ गया। इसको मैंने बराबर कर दिया और सेंट्रल कर देता हूँ, बोल्ड कर ठीक देता है, हूँ, ठीक है। ठीक है। अब यहां मुझे परसेंटेज निकालना है कि आखिर कितना परसेंट इसका हो आया। तो इसके अब यहां पे एक चीज और है कि मुझे एक सपोर्टिंग सेल चाहिए होगा, जहां पे ठीक है, ठीक न्यू और यहां पे एग्जिस्टिंग का मुझे काउंट निकालना हो। है, हाँ ठीक है, डन। हाँ तो यहां पे काउंट, काउंटिंग, काउंट इफ, काउंट इफ में गए रेंज में रेंज और इसको लिया में सबमिट कर दिया ई एन, ई सॉरी ई एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट दे रहा था काउंट इफ, अच्छा ये में ही आ गया, ना, हाँ वो आ वो गया आ था गया ना, था वो ना, नहीं न्यू है ना यहाँ पे, न्यू देख। है, हाँ अब न्यू आएगा, है, और यहाँ आ पे गया। भेज देंगे हम ई। ये 263 क्यों आ रहा सर? ई करिए ना। हाँ ई करिए, सेम है, सेम है, 266। ठीक है, डन। अलग अलग है ना। और फिर इसको सिलेक्ट करके हमें चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट चार्ट बनाना बनाना है। है ये वाला चार्ट, ठीक है ना, पाई चार्ट, ठीक है, ठीक पाई चार्ट की जगह पे डोनट चार्ट सही रहेगा ना, ये वाला चार्ट बीच में है। दिखेगा। एग्जैक्टली, कस्टमाइज पे चार्ट स्टाइल सही है, इसकी बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं नो, कोई कलर नहीं चाहिए ताकि पीछे का दिखे, ठीक है। और इसका बॉर्डर कलर भी ठीक है, थ्री ठीक है, डी, ठीक थ्री डी होगा तो अच्छा लगेगा। है, ठीक है। ठीक परसेंटेज सही रहेगा, ये जो बाहर जो परसेंटेज ये दिख रहा है ना इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको ओनली प्रेस हाँ डिलीट बटन दबाए में हो जाएगा। अब ये ये दिखेगा नहीं ना, दिखेगा छोटा ना, हो गया तो। और इसकी साइज यहाँ से एक मिनट, इसकी एम और सो, अच्छा दिखेगा, रहने दीजिए, से भी दिखवाना नहीं है हमको, साइज में रखना है, ठीक है, ठीक ठीक है। और उसके बाद हमें यहां निकालना है कंट्रीब्यूशन कि हमारा न्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ए डिवाइड बाय सम बी, ये दो टोटल, तो 49% हाँ आ डिवाइड गया, बाय सम, हाँ 49% आ ठीक गया, है, परसेंट इसको परसेंट में, में, परसेंट परसेंट में में, ठीक समझो, है, ठीक है। ठीक है। हाँ अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसके अंदर, और इसमें हम जो है
अप्लाई रेंज बी सेवन इज इन पेटी, नहीं ग्रेटर देन 50 60, कलर स्केल पर इसमें आइकन नहीं होता है तो कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए। बस यहाँ जो है इसको सेलेक्ट करके 49% को शो कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बट हम ठीक ये है। भी तो कर सकते, अगर 50% से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए, हाँ तो कंडीशनलिटी आप लगा वरना दीजिएगा, रेड रहे। आप लगा दीजिएगा, मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। सब काम मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे सर। अब यहाँ पे दूसरा जाता है टोटल एक्सपेंस, टोटल EXPENSE एक्सपेंस, हाँ ठीक, और इस पे हमने इसका ना जो ठीक है ठीक है, साइज एक्सपेंस हाँ सम का फॉर्मूला लग एक तो साइज बढ़ा देता हूँ, 18 नहीं ज्यादा बड़ा हो गया, बोल्ड इसको हमने बोल्ड नहीं किया था, इसको बोल्ड करना था, और इसको 18 की जगह पे 14 कर दो, और इसको सेंट्रल और बीच में हम इसको मर्ज और इक्वल टू करेंगे सम सम इफ, ठीक है ना। ये सम ही एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस दिखा रहा है ना मैं, सब डेटा पे सम दिखा जाओ। दीजिए बस। हाँ यहाँ पे आते हैं, हाँ ये डिवाइड ही आए, और इसको हम कर देते हैं साइज 14, मिडल बोल्ड, ठीक है। ठीक इसमें और भी ऑप्शंस, आपसे जो भी एडिशन चेंजिंग करना होगा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू, टोटल वैल्यू, टोटल है वैल्यू ठीक है, इस पे भी हम यहाँ पे दे देते हैं 14 बोल्ड सम बीच का, फिर यहाँ पे लेते हैं और बोल्ड सम करते हैं, इसको मर्ज कर, नहीं मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं, यहाँ पे देते हैं सम, सम में हम डेटा देते हैं ठीक और सम में हम सिलेक्ट करते हैं है। अपना उस टोटल वैल्यू, वैल्यू वैल्यू आ गया, इसको साइज में 16 और यहाँ से सेंट्रल बोल्ड बोट, फिर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 14 होल्ड सेंटर, ठीक इक्वल सम, प्रॉफिट और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया अपना प्रॉफिट, लॉन्ग बोल्ड 16 सेंट्रल। सेंटर अब मुझे यहाँ डेज सैटरडे संडे वाइज SNW का टोटल चाहिए, टोटल वैल्यू, ठीक तो यहाँ पे सम इफ्स होगा, है, सम इफ्स होगा, इट्स सम इफ्स हम आएंगे टू सम समिप्स। रेंज, हमारा टोटल वैल्यू को लाना है, ये किया हाँ हमने। ठीक उसके है बाद हमने पहला ठीक क्राइटेरिया है, सिलेक्ट किया कॉमा इसको ए, और जी इसमें हाँ हमने ले लिया जी एन, कॉमा नहीं ठीक सॉरी डब ए करना है, है डब्लू ओनली डब्लू ना। हाँ
हाँ, इसको वीक को सिलेक्ट करना फिर है दूसरा क्राइटेरिया और यहाँ पे आके हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं समय। तो सॉरी यहाँ पे एस, ठीक यहाँ पे हम डब्लू की जगह पे एस कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ है। ड्रैग कर देते हैं। कर दिए ठीक है, डब्ल्यू इसी की जगह एस का लिया, ठीक है, इसी बहुत को ऑन कर बढ़िया। हाँ दिया ठीक है, ठीक है, समझ और गया, यहाँ समझ पे मैं कर देता हूँ गया, डब्लू डब्लू इधर वाले पे है ना, डबल डब्लू कर दूंगा। और इसको कर देते हैं नीचे की तरफ ड्रैग। ठीक है, गोल्ड, ठीक है, ठीक और फिर इसके ऊपर हम लेते हैं अपना चार्ट। हाँ ठीक है। और इस चार्ट में हम यहां चेंज करेंगे, ये वाला चार्ट लेंगे, लाइन एंड कॉम्बो चार्ट, ठीक है। ठीक और यहां पे हम है, ठीक है, नाम नाम चेंज कर दिया। इसको रख के यहाँ कर दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, नीचे से नीचे थोड़ा से थोड़ा छोटा, छोटा, दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम ठीक देते है, हैं यहाँ पे प्रॉफिट कि न्यू और ओल्ड का एन प्रॉफिट। ओनली एन था, न्यू ओल्ड आपने दिखाया नहीं कहीं, ई ओल्ड की जगह पे ई हो गया, और जिसमें एन भी था। ओल्ड ओल्ड ही है ना, प्रॉफिट। हाँ ठीक है, ठीक प्रॉफिट और यहां भी हम है, लेंगे ठीक फॉर्मूला है, सामने सम इफ्स, इफ्स, इफ ही होगा, एक ही कंडीशन है ना। तो हाँ ठीक सम है, ठीक इफ और रेंज में गए है, डन, रेंज ले लिया। और रेंज में हमारा ये आ जाएगा ए, इसके जगह पे हम कर देंगे नहीं एन और सम इफ सम रेंज हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। नीचे ड्रैग करते ठीक है, हैं और यहाँ पे जहां पे हमने एन लिखा है वहां हो जाएगा ई, एंड था इसको सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट चार्ट चार्ट, में, चार्ट चार्ट में है। में यहाँ सबसे पहले डोनट चार्ट लेते हैं वाला, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करते ठीक हैं है, ठीक डिलीट, इसको सिलेक्ट करके हम कस्टम इसमें जाते हैं कस्टमाइज में, चार्ट स्टाइल तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई चार्ट सही है, लेजेंड एक मिनट, ठीक है। लेवल आ को गया, परसेंटेज कर दिया ठीक और यहाँ ठीक इसको इसको सिलेक्ट इसको ले लिया और हमने इसको यहाँ उठाया, यहाँ पे रखा और इसको छोटा यहाँ कर कर दिया दिया। छोटा, इसको कर दिया बड़ा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो ये हमारा हो गया इतना। है, तो बाकी जो नीचे की चीजें हैं ये हम कल करें, कोई नहीं, मैं करूंगा, आज जाने नहीं समझ आएगा, आपसे पूछूंगा। ठीक जी। तो ये चीजें जो है ये चीजें लानी है, प्रोडक्ट इनकम प्रोडक्ट एक्सपेंस, ये चीज लेके आनी है, जो कल करते हैं, ठीक है सर। है, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय। बाय, गुड नाइट।